अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये जी हम बस आए हैं बस फार्म हाउस में। बस सुहाना और आलियान की ये बहुत ही फेवरेट प्लेस है। अभी फ्रिज में मिल्क काफ़ी सारा पड़ा होता है और ये कह रहे होते हैं कि मिल्क लेने चले, मिल्क लेने चले, ताकि ये हमें साथ लेके जाएंगे और वहाँ पे एक दो घंटा ये यहाँ पे आके बहुत खुश होते हैं और खेलते हैं, यहाँ पे आके बहुत मज़ा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एनिमल भी इनको बहुत पसंद है, झूले लेना भी बहुत पसंद है और फिर यहाँ आके हम सब भी जाहिर है खुश होते हैं। Yeah.
अल्हम्दुलिल्लाह जी, उसके बाद हम लोग आगे घर, तो घर आकर हमने गोश्त वॉश किया। ये जी हम बना रहे हैं आज कढ़ाई, मजेदार सी। इसके लिए मैंने प्याज डाल दिया है, लहसुन साबुत ही डाल दिया और ये अदरक को मैंने क्रश कर लिया, टमाटर थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने और छोटे गोश्त में तो ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है, वो छूट जाता है बाद में, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा ग्लास बस डाला है। मिक्स कर दें, बिल्कुल सिंपल सा गोश्त बनाऊंगी। इसमें सब्ज मिर्च और काली मिर्च डाल के थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, नहीं दूंगी, और टमाटर इस तरह रख दें ऊपर। चले अब मैं वेट लगा दूंगी इसको। और ये देखें जी, गोश्त हमारा गल चुका है और ये टमाटर का छिलका इस तरह आसानी से उतर जाता है। और इसको नहीं बेटा, ये गोश्त बना रही हूँ। आइसक्रीम मैं बाद में बनाऊंगी। कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई का होना बहुत जरूरी है, बड़ी सी कढ़ाई बड़ी सी कढ़ाई होनी जरूरी है। इसमें मैंने डाल दी है ये मक्खन और देसी घी से बनेगी। और इसके लिए जरूरी है कि पहले इसको, मतलब ये जो पानी है इसमें अच्छी तरह ड्राई कर लिया जाए, उसके बाद ऑयल डालें। और ये मेरे पास कड़वी वाली मिर्ची हैं, वो मैं कट लगा के तो डालूंगी। और पानी हो गया खुशक, मिर्चों के बाद ये मैं डाल दूंगी इसमें बटर, और ये बटर में बनेगा बहुत मज़े से, बहुत मज़े का। इसको तकरीबन 10-15 मिनट तेज़ आंच पे भूनूंगी। ये देखें जी, माशाल्लाह तकरीबन 10-12 मिनट हो गए इसको मुझे भूनते हुए, कैसे घी जो है ना बिल्कुल अलहदा हो गया मक्खन जो है। इसको सारा काम, कढ़ाई जो होती है ना, इसको भूनने का काम होता है, यानी किसी खुले बर्तन में, क्योंकि गोश्त बहुत गला होता है। अगर आप तंग बर्तन में इसको करोगे तो गोश्त जो है ना छोटा छोटा, मतलब मिक्स हो जाएगा, टूट जाएगा। तो गोश्त टूटना भी नहीं चाहिए और गला होना चाहिए और बिल्कुल मज़ेदार सा भुना हुआ होना चाहिए। ये ग्रीन चिली के साथ और काली मिर्च अभी थोड़ी और डालूंगी, थोड़ी सी मैंने डाल दी है, तो एंड पे थोड़ा सूखा धनिया और काली मिर्च डालूंगी, तो उसके साथ जो खुशबू होगी ना सूखे धनिए की, वो एक अपने जायका है। इसमें और कोई गरम मसाला, जीरा, दालचीनी वगैरह कुछ नहीं है, बस ये सब्ज मिर्च और नमक और इसके साथ बनेंगे। काली मिर्च थोड़ी सी और सूखा धनिया, वो भी एंड पे डालूंगी, और सब्ज धनिया डालूंगी। तो ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की होती है, मसालों के बगैर होती है, बहुत ही यम्मी लगती है। साथ में चपाती ले लें या नान ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरह बनाएं बहुत ही मज़ा आता है इसका। इसकी बुनाई का सारा काम होता है, खुशबू आती है बटर की, इसमें से देसी घी की, बटर की, देसी घी तो मैं नहीं डाल रही, सिर्फ बटर डाल रही हूँ इसमें। इसी तरह आप चिकन भी बना सकते हो।
ज़्यादा शोर नहीं करो। और भुनाई के बाद ये देखें एक चम्मच इसमें डाल दें योगर्ट, और अब इसको तकरीबन 5 मिनट और भून लें। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हो गई है माशाल्लाह से। तो जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए तो इसके ऊपर फिर ये थोड़ी सी काली मिर्च ना कूटी काली मिर्च डाल दें, क्योंकि आप अगर पहले ही इस पे बहुत ज्यादा डाल दोगे काली मिर्च तो हांडिया जो है मतलब जो हांडी है वो काली हो जाएगी, गोश्त काला हो जाएगा। तो इसलिए एंड पे डालें, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होगी और जायका भी मतलब बहुत अच्छा होगा। और थोड़ा सा सूखा धनिया जो है ना वो भी एंड पे डालें, इसकी भी खुशबू बहुत प्यारी आएगी। जब बिल्कुल तैयार हो जाए आंच जो है वो बंद करने वाली हूँ तब ये दोनों चीजें डालनी है आपने। तो एंड पे जो है मतलब हमारी जो फेवरेट है धनिया जो कि हांडी की शान होता है वो डालेंगे। और ये दी आंच अब मैं कर दूंगी बंद। आंच बंद करके तो इस पे लगा दूंगी अपने और साथ में बन रही हैं जो चपातियाँ गरम गरम इंशाल्लाह। और ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार हो गई है। तो जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।